कलीर दुनिया पर कनात कर, खलवत नशीनी अख्तियार कर, खौफ से रोया कर, हलाल गजा खा कि वह खूबियों की कुंजी है। हराम को हाथ ना लगा वरना क़यामत के दिन तुझको आग मिलेगी। हलाल कपड़ा पहन के ईमान और इबादत की हलावत पाएगा। सारी मखरूक के साथ खुशखलकी और तवाज़ बरत, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो झुकता है अल्लाह ताला उसे ऊंचा करता है और जो आप बड़ा बनता है अल्लाह ताला उसे नीचा दिखाता है। हर हालत में अच्छे और बुरे के साथ अच्छा बर्ताव करो और सारी मखलूक को ख्वाह झूठे हो या बुरे अपने से अफजल समझ और उनको निगाह शफकत देख। हर एक मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर और मखलूक में किसी का आसरा ना ले वरना अल्लाह ताला तुझको अपने आस्ताने से धक्के दे देगा। समाह सिर्फ उसके लिए दुरुस्त है जिसका दिल जिंदा और नफ्स मुर्दा है। किसी को दीनी भाई ना बना जब तक ये पांच खसरतें उसमें तहकीक ना कर ले। एक, फिक्र को तू नगरी पर तरजीह देता हो। दो, आखत को दुनिया पर। तीन, जिल्लत को इज्जत पर तरजीह देता हो। चार, बातनी और जहरी अमाल की निगरानी करता हो। और पांच, मौत के लिए मुस्तैद और तैयार हो। मोमिन जिस कदर बूढ़ा होता है उसका ईमान ताकतवर होता है। शुरू करना तेरा काम है और तकमील करना खुदा का। खालिक का मुकर्रब वही बनता है जो मखलूक पर शफकत करता है।